रस से उत्सुक होकर के परीक्षित महाराज कहने लगे, कृष्ण कथा है ऐसी मधुर कि परीक्षित महाराज तैयार बैठे हैं वो लोग जाने के लिए, पर फिर भी रुक रहे हैं और कृष्ण कथा कहने के लिए तैयार है, उसके लिए मना नहीं। उसके लिए उस समय भी मौके पर भी लास्ट मोमेंट उसमें भी बिल्कुल तैयार है, अंतिम क्षण में भी कृष्ण कथा कहने के लिए बिल्कुल तैयार, उसके लिए मना नहीं। कह रहे हैं कि मातर यद्य काले स्पिन चिकीर्षित मुनि व्रतम, हे मां इस समय मेरा अंतिम समय है और मैं मुनि व्रत धारण करना चाहता हूं, मुनियों का व्रत माने मौन धारण करना चाहता हूं, इस समय बोलना नहीं चाहता हूं। तथापि अहम तब कृष्ण माधुरी मुखरी करता, तेरा कृष्ण इतना मधुर है कि तेरे कृष्ण ने मुझे मुहर बना दिया है। गुरु प्रसाद से श्रीमद को बादरायणी, श्रीमान को बादरायणी श्री वेद व्यास जी के तप के पुण्य तप के अनुरूप श्री सुखदेव जी उनकी कृपा से और गुरुदेव की कृपा से परमते सपुत्राय प्राणदम प्रभु मच्युतम परमते, हे मां मैं तुझे प्रणाम कर रहा हूं, सपुत्राय प्राणदम प्रभु मच्युतम उन प्रभु को भी मैं प्रणाम कर रहा हूं जिन्होंने तेरी और तेरे पुत्र की अर्थात मेरी, परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि तेरी भी रक्षा की और मेरी भी रक्षा की, तो तेरे और तेरे पुत्र के दोनों के प्राण को अर्थात मेरे दोनों के प्राणों की रक्षा करने वाले श्री प्रभु अच्युत उनके श्री चरणारविंद की मैं वंदना कर रहा हूं और वंदना करके मैं तेरे सामने कह रहा हूं, क्योंकि यदि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था तो उत्तरा के भी प्राण नहीं बच सकते थे और परीक्षित के भी प्राण नहीं बच सकते थे, उत्तरा को मार करके ही परीक्षित को मारा जाता, परंतु श्री ठाकुर ने अब ब्रह्मास्त्र का एक प्रभाव है कि ब्रह्मास्त्र कभी व्यर्थ नहीं जाता है, तो ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा को भी मार दिया और पुत्र को भी मार दिया, ठाकुर ने उत्तरा को भी जला दिया और परीक्षित को भी जला दिया, तो प्राण दान माने प्राण का दान करने वाले दोनों स्थिति हो सकती है, ब्रह्मास्त्र से बचा करके दोनों की रक्षा की अथवा दोनों समाप्त हो गए थे दोबारा उनको प्राण प्रदान किया, दोनों ही तरह के वर्णन श्रीमद् भागवत में प्राप्त है कि जिन्होंने मुझे दोबारा प्राण प्रदान किए अथवा दोबारा प्राण जैसे प्रदान किए दोनों तरह से अर्थ किया जा सकता, तो तेरे और तेरे पुत्र के प्राणों को देने वाले उन श्री अच्युत को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तत्कारुण्य प्रभावेण श्रीमद भागवतामृतम समुद्रित प्रयत्न उन गुरुदेव की कृपा से ही, सुखदेव जी की कृपा से ही, कृष्ण की कृपा से ही श्रीमद भागवत रूपी अमृत को समुद्रित प्रयत्न मैंने प्रयत्न पूर्वक इसको निकाला है और निकाल करके श्रीमद भागवतोत्तम और भागवत उत्तम जनों ने भी जिस सिद्धांत को निकाला था उस निकाल सिद्धांत को मुनिन्द्र मंडली मध्य निश्चितम महताम मतम महागुरीयम सम्यक कथयामि अवधारयो, मुनिन्द्र मंडली के बीच में श्री सुखदेव जी ने महताम मतम संतों के द्वारा भी इस सिद्धांत को निष्कर्ष रूप में ही प्रतिपादन किया गया था, उस सिद्धांत का महागुह्य सिद्धांत का मैं अब तेरे सामने वर्णन करता हूं। सुखदेव जी ने जो सिद्धांत कहा उस सिद्धांत का को निचोड़ करके अब मैं तेरे सामने ये मां वर्णन कर रहा हूं, उसको अवधारयो उसको तू ध्यान पूर्वक सुनो, महागुह्यमयं सम्यक कथयामि अवधारय। श्री मुनिन्द्र मंदिर मंडली में सुखदेव जी ने जो सिद्धांत कहा था उस सिद्धांत को और संतों के बीच में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था निश्चय किया था उस सिद्धांत को अब मैं तेरे सामने वर्णन कर रहा हूं, उस सिद्धांत को एक कहानी के माध्यम से जल्दी से तू समझ जाएगी, क्योंकि वक्ता का
एक गुण वर्णन किया गया कि वक्ता वो है जो दृष्टांत देकर के सरलता से बात को पहुंचा दे। किसी सरल बात को कठिन बना करके कहना बहुत सरल बात है, परंतु कठिन बात को सरल बना करके पहुंचा देना अत्यंत अत्यंत कठिन बात है। इसलिए जो संपूर्ण सार है उसको अत्यंत सरलता के साथ में दृष्टांत से बात पहुंच जाए, इसलिए मैं तीन सांत वर्णन कर रहा हूं। अब श्री परीक्षित महाराज यहां से अब कहानी शुरू करते हैं, कथा कहने शुरू करते हैं कि एक दिन की बात है, मैंने जो श्रीमद भागवत का सार है उस सार को ही एक कथा के माध्यम से श्री परीक्षित महाराज अपनी मां को सुना रहे हैं कि एक रात तीर्थ मूर्धन ने प्रयागे मुनि पुंगा वहा माघे प्रातः कृत स्नान श्री माधव समीपता। कि एक समय की बात है, प्रयागराज में माह का महीना है और माह के महीने में कुंभ के अवसर पर देश देशांतर से सारे तीर्थगण, तीर्थ जितने भी ऋषिगण, जितने भी संतगण, वे सब प्रयाग में एकत्रित हुए हैं। माघ मास में प्रयाग में गंगा जी का स्नान करने का बड़ा भारी पुण्य भी है, इसलिए 12 वर्ष में तो सब इकट्ठे हो गए हैं कुंभ के अवसर पर। परंतु तो जब कुंभ का अवसर नहीं भी होता है उस समय भी प्रत्येक वर्ष ही माघ मास में सब लोग श्री गंगा जी का स्नान करने के लिए प्रस्तुत होते हैं और संतगण वहां पर भी आकर के कल्पवास करते हैं। तो कल्पवास तो प्रत्येक वर्ष ही होता है श्री गंगा जी के किनारे, त्रिवेणी के किनारे। तो एक रात तीर्थ मूर्धन ने तीर्थों में मुकुटमणि श्री प्रयाग में मुनि पुंग, मुनियों में पुंग माने श्रेष्ठ जो मुनि है, वे माघे प्रातः कृत स्नान, माघ के महीने में प्रातः काल स्नान करके श्री माधव समीपता श्री वेणी माधव उनके पास में आकर के विराजमान हुए। प्रयाग के देवता है वेणी माधव, तो वृंदावन के देवता है श्री गोविंद, मथुरा के देवता है श्री केशव और सभी पूजनीय है। परंतु जो शास्त्र में जैसा वर्णन है उसके हिसाब से श्री मथुरा के देवता श्री केशव, तो उस समय श्री माधव के पास में, बेड़ी माधव के पास में सब लोग एकत्रित हुए हैं और उपविष्टा मुदाविष्टा सब ऋषि बैठे हुए हैं, आनंद से युक्त हैं, मन मानक कृतार्थता अपने आप को कृतार्थ करके मांग रहे हैं। कृष्ण से दैतो सीति श्लाघ्यन्ते स्म परस्परम, और एक दूसरे से कह रहे हैं आपके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, आपके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। ये संतों की बोली है कि आप कृष्ण कृपा के परम अधिकारी हैं, ऐसा कहकर के एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी प्रशंसा है। उसी समय मातस्तदानीं तत्रैव विप्रवर्य समागतः, एक ब्राह्मण उसी समय वहां पर आ गए, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण वो आए। ये श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पूरे प्रदेश का राजा था, दशाश्वमेध के तीर्थ भगवत भक्ति तत्परा उस क्षेत्र का स्वामी राजा जो ब्राह्मण था वो वहां का गवर्नर, वो उस समय आया और जैसे गवर्नर आया वो उस क्षेत्र का अधिपति वो ब्राह्मण राजा आया, उसको देख करके सब लोग उठ करके प्रणाम कर रहे हैं, उस ब्राह्मण राजा का विप्रवर्ण राजा का सब लोग आदर कर रहे हैं। दशाश्वमेध के, दशाश्वमेध तीर्थ के ऊपर भगवत भक्ति तत्पर रहा, ये सब के सब भगवत भक्ति से तत्पर है और दशाश्वमेध घाट के ऊपर माने बनारस में भी दशाश्वमेध है और प्रयाग में भी दशाश्वमेध है, दोनों जगह दशाश्वमेध। तो दशाश्वमेध घाट के ऊपर ये सब लोग भक्ति तत्पर है, सेवको शेष संपद भी तद देशस्य अधिकारवान, ये ब्राह्मण अशेष संपत्तियों से युक्त है और उस देश का अधिकारी है।
मृतक परिजन नहीं, अब राजा के साथ में सारे नौकर चाकर सब चल रहे हैं बिल्कुल सावधान होकर। और पित्र भोजार्थम कृतोद्यम, वहां पे राजा की ओर से ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई और ब्राह्मणों को भोजन किया जा रहा है। विचित्रो पुष्ट वस्तु ने संष्पाते महामना आवश्यकम समाप्य आगम संस्कृत महतीम स्थल, वहां पर उत्कृष्ट जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी रचना की गई, भट्टी है खुद गई है और सुंदर सुंदर भोग सामग्री ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए सब तैयार हुई है, भगवान को भोग लगाया गया। और इस तरह से निष्पाद्य सारी सामग्री तैयार करने के बाद में आवश्यकम समाप्त आदम यज्ञ इत्यादि स्नान इत्यादि करके आवश्यक जो कार्य है मन श्री भगवान उनकी श्री वेणी माधव उनकी पूजा करके उनको भोग लगा करके और संस्कृत मेहती स्थली बहुत बड़ा स्थान गंगा जी किनारा उसको सफाई कराई गई और सफाई करा करके वहां पर पंगत कराई गई, भंडारा कराया। सत्वरम चतुरम तस्यो निर्ममे मध्य निर्माय सुंदरम, उस स्थान की सफाई करा करके वहां पर बहुत जल्दी से एक बहुत बढ़िया चबूतरा उसको भी तैयार किया गया। और उपलिप्य स्वास्थ्य नो राजा ने अपने हाथ से उस चबूतरे को लीपा और पिता नामी पुत्रताने और सुंदर उसके ऊपर पिता जो चंदोबा है उन चंदोबाओं को ताना गया और बड़ा सुंदर मंडप बनाया गया। और साल ग्राम शिलारूपम कृष्णम स्वर्णाश्रय शोभे, और इन्होंने श्री सालग्राम भगवान जो शिलारूप है उनको स्वर्ण के आसन के ऊपर सोने का आसन वो विराजमान किया गया और विराजमान करके उसके ऊपर सालग्राम जी अपनी झांपी से निकाले और झांपी से निकाल करके सालग्राम जी को संपुट से निकाल करके सिंहासन के ऊपर सालग्राम जी को स्थापित किया। और निवेश भक्तिया संपूज्य श्री सालग्राम जी की भक्ति पूर्वक पूजा की यथाविधि मोरा भरता आनंद से युक्त होकर के और भोग अंबर आदि सामग्री अर्पित सुंदर वस्त्र और भोग इनको श्री सालग्राम जी को समर्पित किया और स्वयं नृत्य गीत वाद्य आदि अभिचक्री महोत्सव स्वयं गीत वाद्य करते हुए महोत्सव वहां पर किया है। तत् देव पुराण आदि व्याख्या है बादुको विदान विप्रांत प्रण में वहां पर बाल कोविदान भगवत कथा और भक्ति शास्त्र का वर्णन करने में कोविद विद्वान जो ब्राह्मण गण है उन्होंने भी वेद पुराण आदि व्याख्या भी वेद पुराण इत्यादि की व्याख्या करते हुए भगवान की महिमा का गायन किया और विप्रांत प्रण में उन ब्राह्मणों को राजा ने उस गवर्नर ने प्रणाम किया उस क्षेत्राधिपति राजा ने उनको प्रणाम किया। और यतिनो ग्रहणों ब्रह्मचारिणा वहां पर जितने भी यतिगण आए गृहस्थी थे ब्रह्मचारी थे सभी का राजा ने वंदना की। वैष्णवांच सदा कृष्ण कीर्तनानंद लंपटा वहां पर सारे वैष्णव भी विराजमान है जो कृष्ण कीर्तन के आनंद में डूबे हुए हैं। सुबह मधुरी वाक्य व्यवहार हर्षयन राजा ने उन सबका सब वैष्णवों का मधुर वचनों से और व्यवहार से सबको आनंदित किया। पाद शौच जलम तेषां धावयन् स्वयं और सभी वैष्णवों के चरणों का प्रक्षालन किया चरणामृत को मस्तक के ऊपर धारण किया और भगवत त्यर्पित स्तर अन्न आदि भी अपूज्य और भगवत प्रसाद अन्न से सबका भोजन आनंद पूर्वक कराया। अब भोजन करने के बाद में भोजित्वापतो दीनान अंत जान का सादरन भोजन कराने के बाद में दीन अंत्य जीव है उनको भी आदर पूर्वक उनका भी संतोष किया। यथानायन फिर स्वश्रगाद खगादि कृमिन कुत्ता श्रगाल गीदर पक्षी कृमि कीड़ा इनके लिए भी प्रसाद छोड़ा। पुरानी पद्धति थी ब्रिज में कहीं भी पंगत होती थी
तो एक पत्तल यमुना जी में पधारी जाती थी कच्छ मच्छी के लिए, एक पत्तल बंदरों के लिए, एक पत्तल मोरों के लिए, ये भी अलग से छोड़ा जाए, ये पुरानी गैयाओं के लिए तो छोड़ा ही जाए, गौ का संस्करण दिया जाए। तो एवं संतपिताशेषो समाधिष्टो साधवी, इस प्रकार राजा ने सारा पूजन किया साधुओं के द्वारा आदेश लेकर के, परवारी समुपशेषण सहर्षण भोग्य, राजा ने भी परिवार के साथ में हर्ष सहित भगवत प्रसाद सबसे बाद में ग्रहण किया, सबको भोजन करा करके फिर राजा ने प्रसाद ग्रहण किया। ततो विमुख मागति और कृष्ण से रचितांजलि तस्मिन एवं अर्पयामास सर्वम तत्फल संचय, और जो कुछ भी यहाँ पर तीर्थ यात्रा में आकर के उसने जो दान यज्ञ पुण्य किए थे उस सब के फल को हाथ जोड़ करके तसत कृष्णार्पण वस्तु कहकर के राजा ने समर्पित कर दिया। अब इस तरह से उत्सव समाप्त हुआ और समाप्त होकर के राजा अब घर जाने लगे। इतने में ही नारद जी आए और नारद जी आने के बाद में अब श्री नारद जी ने उस राजा की जो प्रशंसा की उसकी भक्ति को देखकर और ये कहा कि भले तुम सारे भक्तों में परम श्रेष्ठ हो, मैं निकला था ये ढूंढने के लिए कि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, आज मेरी वो खोज पूरी हो गई और मैंने पा लिया कि ऐसा भक्त मैंने नहीं देखा, आप लोग वास्तव में बड़े श्रेष्ठ हैं, इसलिए आज कृष्ण भक्त कैसे होते हैं ये मैंने जाना। सुनते ही वो राजा एकदम चौंक गया और फिर वो दीनता धारण करके कह रहा है कि मैं भक्त नहीं हूं, ये क्रम निरंतर निरंतर चलेगा, नारद जी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएंगे और जब किसी भक्ति की प्रशंसा करेंगे वो तुरंत कान पकड़ता है और कहता नहीं 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 मेरे ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है, कृष्ण कृपा तो उनके ऊपर है, और नारद जी फिर उसको छोड़ करके कहीं जाते हैं। और ऐसे नारद जी एक एक भक्त के पास में जाएंगे, यहाँ पर भौम भक्त उनका प्रसंग चल रहा है, पहले पृथ्वी के जो भक्त हैं उनका प्रसंग चल रहा है, अब पृथ्वी के भक्तों में सबसे पहले उस प्रयाग के क्षेत्रपति राजा उनका श्री नारद जी ने दर्शन किया, उनकी वंदना की। अब ये राजा ही कहेंगे कि बंदनी मैं नहीं हूं, बंदनी हमारे चक्रवर्ती राजा है, मेरा वैभव तो बहुत थोड़ा सा है, मैं तो एक केवल प्रोविंस का एक प्रदेश का राजा हूं, मूल राजा तो चक्रवर्ती है, उनका वैभव देखो, आप उनके पास में जाओ। नारद जी उनको प्रणाम करके उन भक्त वर और अधिक श्रेष्ठ भक्त उनका दर्शन करने के लिए आगे चले। उसका वर्णन है गुरु वृंदावन बिहारी लाल प्रथम जो पाठ है वो दो दिन के लिए स्थगित है, इसके बाबा का आदेश हुआ है कल से जो कथा है वो सवाचार रुचि से सवाचार से सवा पांच तक कल से कथा वृंदावन बिहारी लाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद श्रीनाय गौर हरी